इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर हर तरफ इसी पर चर्चा चल रही है। अलीगढ़ की तहसील कोल के गांव मूसेपुर जलाल पुरगना के ग्रामीणों ने अपने वोट की ताकत का प्रयोग अपने गांव में विकास के लिए करने का निर्णय लिया है। दरअसल इस गांव में एक पंचायत बुलाई गई और एक स्टाम्प पर गांव से जुड़ी मूलभूत समस्याओं को लिखते हुए निर्णय लिया गया कि पूरा गांव वोट बहिष्कार करेगा। ग्रामीणों ने पूरे गाँव में चुनाव बहिष्कार के होर्डिंग बैनर लगा रखे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि सांसद ने अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं कराया है, अगर किसी भी प्रत्याशी को वोट चाहिए तो मीडिया और अधिकारियों के सामने विकास कराने का राइटिंग में एग्रीमेंट करेंगे, तब जाकर किसी भी प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। जगदीश सिंह, किस तरह का बहिष्कार है आपके गांव में? हमारे गांव में साहब कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। जैसे खरंजा है, नल पानी की सुविधा है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, इस तरह से हम इस काम से बहुत पीछे पिछड़े हुए हैं, इसलिए हम इससे नाराज हैं। हमें किसी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं, हमें केवल अपने विकास से संबंधित इसका बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारा विकास नहीं होगा तो हम वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, एक चीज लाल आचार संहिता लगी हुई है जी, चुनाव नजदीक है जी, ऐसी कंडीशन में विकास कहाँ से हो जाएगा? वोट नजदीकी पड़ने क्या करेंगे? चुनाव पास में आ चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन पहले से सतीश सांसद जी को हमारे को 5 साल पूरी कर चुके हैं, इस काम को वो पहले भी कर सकते थे, मजबूरन हमको ये कदम अब उठाना पड़ रहा है। और आचार संहिता में भी ये ठेकेदारों द्वारा काम कराते हैं और कई जगह ऐसा हुआ भी है, और चल रहा है काम ऐसा, और हम इस काम को अभी चल भी रहा है। और थोड़ा सा हमारा काम आचार संहिता से पहले, ये 300 मीटर का रोड हमको मिल चुका है और वो भी 150 285 वर्ग मीटर का रोड हमारा नपा तुला चला गया लिखित में, विधायक जी ने अनिल पारासर ने मंजूर कर दिया अपनी तरफ से, और उसको कटवा के अब 150 मीटर छोड़ा है, और वो भी अभी कार्य हुआ नहीं जो एक महीने से। अच्छा, ये निर्णय जो लिया गया है कैसे लिया गया है? जी, हम सब ग्रामवासियों ने ये सोचा और सबने अपनी बैठक की कि भाई ऐसा करो, इन लोगों को तब तक अपने वोट का कीमत नहीं दिखाओगे कि भाई हमारे वोट की क्या कीमत है, तो ये हम लोगों की बात सुनेंगे नहीं। किस किस को अवगत करा दिया गया इस वास्ते कि हम वोट नहीं देंगे? है जी, किस किस को बता दिया गया? किन किन अधिकारियों को बताया? हमने अपने डीएम साहब तक ये खबर पड़ी साहब, हमने अपने अनिल पारासर जी को विधायक जी हैं उनसे भी कहा, हमने जो हमारे सतीश गौतम सांसद जी हैं आज के मौजूद था, इनसे भी 10-20 बार गए कहा, लेकिन हमारा इन्होंने कोई सुन के नहीं दी। तो क्या कोई लिखित में हुआ है या निर्णय कैसे हुआ है? नहीं, लिखित में अब हमने लिखित में निर्णय किया है। क्या लिखा है, किस पर लिखा है? हमने एफिडेविट बनाया है और उसमें सब शर्त अपनी लिखी है कि हमको ये परेशानी है, ये परेशानी हमको अगर हमारी सुनी जाती है तो हम आपके वोट डालेंगे, वरना हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। एफिडेविट किस किस को भेजा है? अब ये एफिडेविट हमारे 3 जगह डीएम साहब को गए, सांसद जी को गए और विधायक जी को। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव सिंह, किस तरह की समस्या है और क्यों वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप? हमारे गांव में सबसे मेन समस्या जो है मुख्य मार्ग की है, परिक्रमा मार्ग, जो हमारे गांव के चारों तरफ होके घूमता है, क्योंकि अंदर बीच के गांव में रास्ता नहीं है इतनी बड़ी, जो वाहन जो आते हैं हमारे, जो निजी वाहन आते हैं, बाहर के वाहन आते हैं, वो नहीं निकल पाते। ये सबसे बड़ी मुद्दा हमारे यहाँ सड़क का है, जो सड़क हमारे करीब 50 साल पूर्व पहले खरंजे लगे तो वो आज भी वही चल रहा है। आज तक वो उन पर ना तो उनकी मरम्मत हुई, ना उन पर कोई आगे कोई कार्य किया गया। मेरे सांसद जी बने, हमारे सांसद जी जब से हमारे यहाँ बने क्षेत्र के अंदर, आज तक हमारे गांव में सिर्फ वोट मांगने के लिए आए थे, जब से दोबारा हमारे गांव के अंदर नहीं आए, और ना ही शायद गांव का कोई बंदा उन्हें जानता होगा कि जी हमारे सांसद जी हैं। और हमारे गाँव के अंदर तो हमारे बच्चे स्कूल के लिए कभी जाते हैं तो रास्ते में खींच मिलती है, उन्हें इतना रास्ता ख़राब है उनका, तो जाते जाते उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच्चे अपने वापस भी लौटते हैं बेचारे समय, कोई कपड़े ख़राब हो जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते, वापस जाते हैं तो जब तक उनका स्कूल का टाइम ख़राब होता है और स्कूल से टीचर की फटकार लगती है बच्चों के लिए। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे गांव का मेन विकास होना चाहिए। हमारे गांव के अंदर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, जो लाइट का सबसे बड़ा लाइट नहीं है किसी चौराहे पर, रास्ते का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे गाँव के अंदर शौचालय बने हुए हैं जो पूर्ण नहीं है, बने हैं 50% बने हैं, जो भी आज तक पूरे नहीं है, जिन्हें खाते में पैसा नहीं आ पाया। गाँव के अंदर विधवा भी हैं, विकलांग भी हैं, वृद्धा भी हैं, जिनकी पेंशन नहीं आई आज तक, पेंशन कभी चली थी वो बंद हो चुकी है, दोबारा उन्हें आज तक चालू नहीं हो पाई है। और रास्ते का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे गांव का, रास्ता सबसे पहला है कि हमारा रास्ता गांव के अंदर अंदर भी होना चाहिए, हम चाहते हैं गांव के चारों तरफ आरसीसी होना चाहिए और गांव के अंदर भी आरसीसी होना चाहिए, ये हमारे गांव के मेन। तो आप पूरे गांव ने मिलकर क्या निर्णय लिया है? हमारे गांव ने एकजुट होके, पूरा गांव हमारा एकजुट पूरा गांव होके हमने ये निर्णय लिया है, हम वोट जब देंगे जब हमारा विकास होगा, हमारा विकास नहीं है तो हम वोट नहीं करेंगे। हम वोट क्यों करते हैं कि हमारा विकास हो, जब हमारा विकास ही नहीं है तो हम वोट क्यों करें?
हमारा सबसे मेन मुद्दा यही है। तो इस बार चुनाव पर क्या करेंगे? चुनाव पर हम बहिष्कार करेंगे। चुनाव बहिष्कार है, जब तक हमारा विकास नहीं है जब तक हम वोट नहीं करेंगे। कौन सा गांव है, कितनी वोटर है यहाँ? हमारे गांव का नाम मुंशीपुर जलाल है और हमारे यहाँ तकरीबन 750-800 करीब वोटिंग है और जो कि पूरे गाँव ने एकजुट होकर निर्णय लिया है जिसमें कोई भी वोटिंग नहीं करेगा जब तक हमारे गाँव की जो समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा नाम सनी तोमर है, मेरे गांव का नाम मुसफ़र जलाल है। मैं मुसफ़र जलाल का रहने वाला हूं। मैं स्कूल जाता हूं साफ सुथरा होके। हमारे गांव की रास्ता ख़राब है, हम कीचड़ में गिर जाते हैं, रुक जाते हैं, कभी चप्पल गंदी हो जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो स्कूल में जाकर डांट पड़ती है। बेटा सोनी, किस तरह की परेशानी आती है जब स्कूल जाते हो? जब हम स्कूल जाते हैं तो हम कीचड़ में गिर जाते हैं और अच्छे कपड़े पहन के आते हैं तो हमारे खराब हो जाते हैं और टीचर खिलाते हैं, चप्पल भी गंदे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं कपड़े स्कूल पहुँचते पहुँचते। कौन सा गांव है? मेरा नाम है गायत्री देवी, मुसफ़र जलाल गांव है मेरा। किस तरह की समस्या है गांव की और क्या निर्णय लिया सब पूरे गांव ने मिलकर? समस्या ये है कि गांव में न तो खरंजा हुआ है, अभी तक न कोई विकास हुआ है। गांव के बाहर पानी भरा हुआ है, उसमें देखो कितनी गंदगी है। और मैं आंगनवाड़ी में पढ़ाती हूँ, न उसकी बाउंड्री हुई है, न उसमें लेटरिन है बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं है। इतनी परेशानी है कि हम ही समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर भाग भाग के जाते हैं, बाउंड्री भी नहीं हुई है, पानी में गिरते हैं बच्चे। तो क्या निर्णय लिया है? निर्णय ये लिया है कि जब हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे। तो पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया? हाँ, पूरे गांव ने। किस तरह से? विकास नहीं तो वोट नहीं। ठीक है।